ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपने जो प्यार और सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्रदान किया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस पेड़ की पूजा बनाती है हमें अमीर। वो कौन सा पेड़ है जिसकी पूजा करने से आप अमीर बन जाएंगे, वो कौन सा पेड़ है जिसकी पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, दरिद्रता आपके घर से चले जाएगी और आपके घर में शांति का वास होगा। तो आज हम इसी वीडियो में उसी पर पूरी चर्चा करेंगे और आप जान पाएंगे कि वो पेड़ कौन सा है, उसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं, उन सभी पर हम चर्चा विस्तृत रूप से इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम जितना आगे बढ़ाएं और हमारी बात को थोड़ी सी गंभीरता की ओर ले जाएं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा ज्योतिष रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिलते रहें। कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, जय शिव शंभू लिखें, हर हर महादेव लिखें, जो आपका मन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि वो कौन सा पेड़ है। देखिए, दरअसल जो पेड़ हैं वो पेड़ है तीन, जिन तीन पेड़ों में से कोई एक पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं जिससे भी आपको घर में धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो उन तीन पेड़ों की हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहला पेड़ है शमी का पेड़। आपके घर के आसपास शमी का पेड़ हो सकता है और अगर नहीं हो तो आप किसी भी नर्सरी से शमी का पेड़ ले आएँ या कहीं जंगल में, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो अपने जंगल में शमी का पेड़ ढूंढ कर, जो भी इस विषय का जानकार है कि शमी का पेड़ कैसा होता है, आप उस पेड़ को ले आएँ। अपने घर एक गमले में लगाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। आप उसकी रोज़ पूजा अर्चना करें दोस्तों। जब जब वो शमी का पेड़ जैसे जैसे वृद्धि की ओर जाएगा, जैसे जैसे आपके घर में रहेगा, तो आपके घर में नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके घर में कुबेर का वास हो जाएगा, क्योंकि वो कुबेर को इंगित करता है। और जैसे ही वो पेड़ आपके घर में होगा, आपके घर में आपके काम बनेंगे, आर्थिक रूप से आप संपन्नता की ओर जाएगी, आपके घर की दरिद्रता कम होगी और बहुत सारे फायदे होंगे। दूसरा पेड़ है जो है केल का पेड़, जिसे केले का पेड़ कहते हैं, केली का पेड़ कहते हैं। अब देश में बहुत जगह केले का लगाया जाता है, वो एक अलग है, पर हमारे घर में एक गमले में आप केले का पौधा रखें या अपने घर के, अगर आपका घर बड़ा है तो वहाँ भी आप केले का पौधा जरूर लगाएं। वो बहुत ज़्यादा शुभकर है, वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है और अगर वो आपके घर में है दोस्तों तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन की, वो नकारात्मकता को छीन लेता है और कई सारी चीज़ें पॉजिटिव करता है। तो इसके पूजा अर्चना करें। और तीसरा जो है वो है पीपल का पेड़। लेकिन पीपल के पेड़ में कुछ सावधानियां हमें बरतना चाहिए जो शायद आपको नहीं पता है। पीपल का पेड़ पहली बात तो घर में ना लगाएं, मतलब घर में लगाने से सीधे से मतलब है कि उस ऐसी जगह पर लगाएं कि जहाँ सभी लोग उसकी पूजा अर्चना कर सकें और वो सभी को छाए दे। अब घर में क्या होता है कि आमतौर पर हम घर में वो बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि घर की नींव और हमारे निजी परेशानियों की वजह से हम उसे कई सारी तकलीफें और भविष्य में उसे काटना ही पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, उसे ऐसी जगह लगाएं, किसी भी ग्राउंड में लगाएं, किसी भी बगीचे या पार्क में लगाएं, या कोई खाली सी जगह जहाँ अनुपयोगी जगह, जहाँ उपयोग नहीं है, वहाँ उसे लगाएं और शुक्रवार और शनिवार उसे जल न चढ़ाएं, बाकी 5 दिन उनकी सेवा करें। ओम नमः शिवाय।